उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सपा विधायक ने सरकार से 200 लोगों को ईद उल अजहा की नमाज सामूहिक रूप से पढ़ने की अनुमति मांगी है। सपा विधायक ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन होने वाला है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। सपा विधायक ने कहा कि अगर अयोध्या में धर्म के नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर 200 मुसलमानों को भी नमाज पढ़ने की अनुमति भी दी जानी चाहिए, ताकि मुस्लिम समाज के लोग भी अपना त्यौहार ईद उल मना सके और नमाज अदा कर सके। उन्होंने यह भी मांग उठाई कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस दिन पशुओं की खरीद करने पर ना रोका जाए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज को अदा करेंगे। 200 मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति सरकार को देनी चाहिए। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी देली की रिपोर्ट। विधायक जी, भाजपा के एक विधायक हैं लोनी से, जिन्होंने कहा है कि इस बार जो है कुर्बानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और पशुओं की कुर्बानी पर बिल्कुल पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। जिस किसी को कुर्बानी करनी है वो सांकेतिक कुर्बानी करे या अपने बेटे की कुर्बानी करे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये भाजपा के विधायक हैं नंद किशोर जी, लोनी से मैं इन्हें खूब अच्छी तरह जानता हूँ। अभी 6 महीने पहले हाउस में ये 3 दिन तक बुरी तरह रो रहे थे। इनके घर में घुस के पुलिस ने इनके साथ अत्याचार किया था या नहीं किया था, लेकिन ये रो रहे थे और टाइम मांग रहे थे, समय मांग रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष जी ने इन्हें समय नहीं दिया था, तो हम लोग विपक्ष के विधायक इनकी हिमायत में खड़े हो गए थे और करीब करीब भाजपा में दोफाड़ हो गया था। फिर रात को इन्हें जब नेता सदन ने बुरी तरह हड़काया तो अगले दिन इन्होंने सरेंडर कर लिया था। मैं इन विधायक जी को अच्छी तरह जानता हूँ, ये लफाज हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के हिसाब से कुर्बानी होगी उत्तर प्रदेश में, और कुर्बानी मुसलमान का फरीजा है, इसमें हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। ऐसे लफाजों पर हमें कोई भरोसा नहीं जो 3 दिन तक हाउस में रो रहे हैं और 3 दिन के बाद बिल में घुस गए थे। ऐसे विधायक को किसी के मजहब के मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग देश हित की बात नहीं करते, और मैं सरकार से मांग करता हूं कि लोनी के विधायक के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो मजहब के मामले में मदाखलत कर रहे हैं। अच्छा विधायक जी, जिस तरह लोग ये बिना जानकारी के कह रहे हैं कि ज़कात के पैसे से कुर्बानी होती है, इसका क्या है मामला? ज़कात से होती है या बेज़कात से? नहीं, ज़कात अलग चीज है। ज़कात भी साहिब निसाब पर फर्ज है और कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब है, वाजिबुल अवलीन है। ज़कात से कुर्बानी का क्या ताल्लुक? नहीं, ज़कात से कुर्बानी का कोई ताल्लुक नहीं। ज़कात अलग चीज है और कुर्बानी अलग चीज है। तो ये कहा जा रहा है कि मस्जिदों में नमाज को लेकर के और जो पशुओं के बाजार हैं उसको लेकर के आप लोग कल SSP मुरादाबाद से भी मिले थे, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि कोरोना संक्रमण ना फैले इसके लिहाज से? देखिए, हमने शासन से भी मांग कर रहे हैं, ईद उल अजहा को मद्देनजर रखते हुए 1 अगस्त और 2 अगस्त का लॉकडाउन इस बार नहीं होना चाहिए। मांग है हमारी, हमारी सोच है, हम मांग कर रहे हैं और मांग तो कोई भी कर सकता है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आप सहयोग क्यों नहीं करते, आप लोग क्यों लॉकडाउन? कोरोना संक्रमण जो है हफ्ते में 5 दिन नहीं फैलेगा क्या? अगर हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार अगर बड़ा दिल कर ले और अल्पसंख्यक पर ये एक मैसेज दे दे कि इस बार ईद उल अजहा की वजह से हमने 2 दिन का लॉकडाउन समाप्त कर दिया, तो इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। हफ्ते में 5 दिन कोरोना नहीं फैल रहा क्या? सिर्फ और सिर्फ शनिचर और इतवार यानी सैटरडे और संडे को ही लॉकडाउन है ना। ईद उल अजहा की बात को रखते हुए अगर लॉकडाउन इस बार 2 दिन का समाप्त कर दिया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी अयोध्या जा रहे हैं, कार्यक्रम है, आप क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या जा रहे हैं, वहाँ मेला लगेगा, वहाँ भूमि पूजन होगा, तो अगर अयोध्या में
धर्म के नाम पर इकट्ठे हो सकते हैं तो मुसलमानों को भी 200 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत मैं समझता हूं बकरीद के मौके पर मिलनी चाहिए। मतलब कुर्बानी के जो पशु हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं तो क्या पशु ना बिकने से किसानों की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी? बिल्कुल, किसान परेशान है, किसान बेहाल है। किसान जानवर को पालता है और कुर्बानी के लिए पालता है, कुर्बानी पर वो अपने पशु बेचकर बच्चों की शादी करता है, लड़कियों की शादी करता है। बिल्कुल किसान बेहाल है और किसान इस सरकार में वैसे भी बेहाल है। तो क्या आप चाहते हैं कि बकरीद पर भी 200 लोगों का जामा मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत? हाँ, अगर 5 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने जा रहे हैं और वहाँ मेला लगेगा तो वहाँ क्या वो संक्रमण नहीं फैलेगा? तो ये हमारा भी मजहबी मामला है, हमें भी मस्जिद में 200 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए, सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। मंदिर पूजन में सोशल डिस्टेंस की बात कह रही है सरकार, हम भी सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज अदा कर लेंगे। मतलब जितने भूमि पूजन में लोगों की अनुमति है इतने आप नमाज की अनुमति चाहते? बिल्कुल होनी चाहिए, इंसाफ का तकाजा तो यही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.